बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा ही यूट्यूब चैनल तन्नू किचन है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज की हमारी रेसिपी है खोवा ब्रेड रोल की रेसिपी। उसके लिए हमने ले लिया है छः ब्रेड का बना रहे हैं हम लोग। इसे 6 ब्रेड ले लिए, आधी कटोरी काजू, बादाम, पिस्ता, इससे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 4 से 5 चम्मच शक्कर, खोवा 1 कटोरी, ये एसेंस ले लिए हम लोग। वो सभी फ्लेवर का ले सकते हैं। हमने पाइनएप्पल का ले लिए, मिल्क मेड 1 कटोरी ले ली। 1 मग दूध को अच्छे से बॉईल कर लीजिए। चलिए बनाना शुरू करेंगे हम लोग कस्टर्ड को। थोड़ा पानी में भी घोल सकते हैं अपन, दूध में भी घोल सकते हैं। हमने पानी में घोल लिया। ये देखिए दूध अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसमें शक्कर डाल लीजिए, 1/2 चम्मच शक्कर। ये देखिए शक्कर अच्छे से पक गई दूध में। अब इसमें कस्टर्ड डाल लीजिए, घोल के रख लिए थे कस्टर्ड हमने। अब इसमें कस्टर्ड डाल लीजिए, इसको ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, थोड़ी और शक्कर डाल लीजिए, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, मीडियम साइज का रखना है। देखिए हमारा दूध भी कस्टर्ड अच्छे से पक गया। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डालिए। अब हम खोए को घोल लेंगे अच्छे से। 1 कटोरी में खोवा डाल लीजिए, काजू, बादाम, पिस्ता डाल लीजिए 2 चम्मच, 1/2 कटोरी मिल्क मेड डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1 चम्मच एसेंस डाल लीजिए, 1 चम्मच शक्कर डाल लीजिए, 1 चम्मच किशमिश डाल लीजिए, मलाई भी थोड़ी डाल लीजिए दूध की। ये देखिए हमारा खोए का बैटर रेडी है। अब हम ब्रेड के पीसेस का रेडी कर लेंगे। ये देखिए ब्रेड के कोरों को साइडों से कट कर लीजिए, चारों तरफ से काट लीजिए। ये ब्रेड का तरीका तो सबका एक ही रहता। ब्रेड रोल तो सभी लोग बनाते हैं, ज़्यादा लोग मलाई से बनाते हैं, हम लोग खोए से बनाते हैं। ये देखिए हमने ब्रेड के पीस को काट के रेडी कर लिया। चलिए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले ब्रेड को अच्छे से बेल लीजिए। ऐसे ही पूरे ब्रेडों को बेल के रेडी कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें खोआ डाल लीजिए बीच में, अच्छे से फैला लीजिए खोए। साइडों से पानी लगाइए ब्रेड को, इसको रोल में, रोल के शेप में रोल कर लीजिए। ये देखिए ऐसे ही पूरा करके रेडी कर लेंगे हम लोग। ये देखिए दूसरा भी हम लोग ऐसी बना ले रहे। पानी लगा लीजिए साइडों से, अब इसको रोल कर लें। ये देखिए दूसरा भी रेडी हो गया। ये देखिए हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसमें आधी ढक्कन एसेंस डाल लेंगे। चलिए अब हम गार्निश कर लेंगे कस्टर्ड के दूध को, इस पर डाल लेंगे। इसको हम लोग थोड़ा खोवा, दूध, मिल्क मेड और थोड़ा कलर डाल के घोल लिए अच्छे से। ये कलर है स्ट्रॉबेरी रेड कलर। ये देखिए कस्टर्ड के दूध को इस पर डाल लीजिए। ब्रेड अच्छे से कस्टर्ड में डीप हो जाना चाहिए। अब इसमें कलर की गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह। अब इसमें काजू, बादाम, पिस्ता डाल, माशाल्लाह।
ये देखिए हमारे खोए के ब्रेड रोल्स रेडी है। माशाल्लाह ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।